महेंद्र सिंह धोनी और कोच राहुल द्रविड़ ने बदल कर रख दी पूरी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। जी हां, मैं आपको बता दूं कि धोनी ने गुस्से में श्रीलंका को हराने के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है। जी हां, आज ये मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। ये मुकाबला कहां खेला जाएगा, कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और कितने बजे यह मुकाबला होगा और कौन 3 शेर भूखे शेरों को लिया है और किन खिलाड़ियों को बाहर किया है, पूरी की पूरी आपको जानकारी बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो क्रिकेट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धोनी ने गुस्से में आकर बदल दी पूरी प्लेइंग 11 टीम। जी हां, और राहुल द्रविड़, कोच राहुल द्रविड़ ने भी कर दिया बहुत ही बड़ा ऐलान, 3 भूखे शेरों की वापसी। ये पहले तो बता दूं, ये मुकाबला कहां खेला जाएगा। टीम इंडिया का श्रीलंका से मुकाबला 2 नवंबर यानी कि आज मुकाबला होगा। जी हां, यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं होगा, यह मुकाबला सांस रोक देने वाला मुकाबला होगा, क्योंकि जैसे कि इंग्लैंड वालों को हराकर हम लोगों ने भेज दिया था, उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इस बार हमें जो है वो श्रीलंका को भी हरा कर रखना है। जी, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की टीम अब इस समय चौंक गई है, क्योंकि धोनी और जी हां कोच राहुल द्रविड़ ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, भूखे शेरों की एंट्री कर दी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीम के जो है कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को आप सभी लोग जानते ही होंगे, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और कई बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी टीम में ले लिया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जो शुभम गिल हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछले मैचों में दिखा चुके हैं, तो शुभम गिल को भी अपनी टीम में लिया है। अब ये मुकाबला